methods of costing. There are different methods of costing in that we will understand which method is applied when. कौन सी मेथड को कब अप्लाई किया जाएगा दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द मेथड ऑफ कॉस्टिंग. तो सी द फर्स्ट मेथड इज गिवन यूनिट कॉस्टिंग. अच्छा यूनिट कॉस्टिंग क्या है? फ्यू मिनट्स बिफोर इफ यू रिमेम्बर हमने पढ़ा था कॉस्ट यूनिट. सो व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट देन दिस यूनिट कॉस्टिंग मेथड इज एप्लीकेबल. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वन सिंगल यूनिट. So it is also called single output costing because here we try to find out cost per unit of a product. It is used in costing of products that are expressed in identical units and suitable for products that are manufactured by continuous activity. Say for example, cement manufacturing, dairy, जहाँ पे milk बनाया है, milk के bags या तो मिल्क का बॉटल्स है या तो मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनाई जाती है. माइनिंग, तो जब आप किसी प्रोडक्ट में पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करना चाहते हो तो वहां पे यूनिट कॉस्टिंग मेथड अप्लाई होगा. सेकंड है जॉब कॉस्टिंग. देखो जॉब क्या होता है, मेनी अ टाइम वी रिसीव अ ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको मिल रहा है तो ये आपका एक जॉब हो गया. तो वहां पे अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करना ट्राई करोगे तो उसको बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग. से फॉर एग्जांपल यू आर अ बिल्डर एंड यू गॉट वन ऑर्डर दैट रिपेयरिंग ऑफ द पर्टिकुलर बिल्डिंग विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड 10 years बिफोर. 10 साल पहले कोई बिल्डिंग बना था उसका रिपेयरिंग का काम खाली आपको करना है. तो ये आपको एक ऑर्डर मिला है तो उसकी कॉस्ट अगर आपको फाइंड करनी है तो यू हैव टू यूज द मेथड जॉब कॉस्टिंग. सपोज यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द मशीन्स, यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स यूज इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. अब आपको एक ऑर्डर मिला किसी कंपनी का कि उनके पास पुराने मशीन्स है उनको रिपेयर करना है जो हमसे ही उन्होंने खरीदे थे पहले, आज से 5-10 साल पहले हमसे ही खरीदे थे एंड दे वांट टू रिपेयर दिस मशीन्स. सो दे विल गिव अस दिस ऑर्डर. सो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, इन दिस केस वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग दिस मशीन्स, दैट इज द जॉब कॉस्टिंग. सो अंडर जॉब कॉस्टिंग मेथड कॉस्ट वी ट्राई टू फाइंड of each job, each work, or we can say each order which we have received. कभी कभी हमें orders मिलता है customer का और उनके हिसाब से हमें product बनानी पड़ती है. उन्होंने जिस तरीके से हमको design दिया हो या तो उनका जिस तरह का specifications हो उस तरीके से product को हमें design करना पड़ता है, बनाना पड़ता है. तो वहां पे हमें एक अलग से cost find करनी पड़ेगी. That will be the job costing method. तो यूनिट कॉस्टिंग हो गया, जॉब कॉस्टिंग. हेलो फिशर सर. यस सर. हाँ हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? फाइन सर. भास्कर फाइन फाइन. या प्लीज अटेंड ऑल द क्लासेस रेगुलरली. हाँ यस सर. ओके, कौन है जानवी? ठीक है ठीक है, सभी लोग क्लास रेगुलर अटेंड करो, ठीक है ना? हाँ सर, मैं तो रेगुलर ही हूँ. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. अच्छा, बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए चलते हैं. किसी एक दिन में वो काम कंप्लीट नहीं हो सकता है तो एक मंथ में कंप्लीट नहीं हो सकता है, उसका एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है. जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़ौदा के अंदर अभी एक नया ब्रिज बना, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन बड़ौदा.
मुझ मबड़ा से लेके यहाँ फतेहगंज तक का लंबा है वो ब्रिज, तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज जिसमें पूरा 1-2 साल चला गया, तो जब इतना लंबा प्रोजेक्ट हो, या तो ब्रिज कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, रोड्स, तो ऐसे लंबे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलते हैं, जिसमें बहुत हैवी एक्सपेंडिचर होता है, सो उनके लिए आएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जहां पे कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्टर उस काम को कंप्लीट करेगा, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल होगी, जितना जितना वो काम करता है उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिलता जाता है। सो वो भी हमें एक चैप्टर पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स विच आर यूजफुल इन डिटरमिनिंग द कॉस्ट, देयर आफ्टर बैच कॉस्टिंग। अच्छा, देर आर सम कंपनीज विच आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिफॉर्म टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट आर डिफरेंट। जैसे कि दवाई बनाने वाली कंपनी बनाती है वो मेडिसिन ही, पर ईच मेडिसिन इज डिफरेंट। तो इन दिस केस व्हाट विल डू, दे गिव द बैच, बैच नंबर विल बी गिवन टू द ईच मेडिसिन एंड बैच वाइज दिस प्रोडक्शन विल बी कैरिड आउट। So, through this method, the costing is done for units that are produced in the batches that are uniform in nature and design. जैसे कैप्सूल्स आएगा, इक्वल होगा, पर अलग-अलग डिजीज के लिए अलग-अलग कैप्सूल होगा, इसलिए उनको अलग-अलग बैच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो वहां पे बैच कॉस्टिंग आएगा। देयर आफ्टर प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस कॉस्टिंग तब अप्लाई होता है जब प्रोडक्ट को बहुत सारी प्रोसेस से पास ऑन होना होता है, किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको अलग अलग प्रोसेस से पास ऑन होता, तब हमें सभी प्रोसेस की कॉस्ट अगर फाइंड करनी हो, इंडिविजुअली ईच प्रोसेस का अगर हमें कॉस्ट फाइंड करना हो, तो वहां प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल होगा। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे दूं, सपोज द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इफ समवन इज मैन्युफैक्चर इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, तो वहां पे अलग अलग प्रोसेस होगा। सबसे पहले जो क्लोथ होगा उसका कटिंग होगा, तो एक कटिंग एक प्रोसेस हुआ। देर आफ्टर स्टिचिंग, तो स्टिचिंग का एक दूसरा प्रोसेस हुआ। देर आफ्टर आफ्टर स्टिचिंग, थर्ड मेकिंग आयरन, आयरनिंग, उसको प्रेस लगाना, ये थर्ड प्रोसेस हुआ। देर आफ्टर पैकिंग, फोर्थ प्रोसेस हुआ। तो इस तरह से जब प्रोडक्ट को बहुत सारे स्टेप्स में से पास ऑन होना होता है, तो वहां प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होता है। यहाँ पे ईच प्रोसेस का कॉस्ट फाइंड करने के लिए ट्राई किया जाएगा, ताकि हमें पता चले कि ईच प्रोसेस में कितना कॉस्ट लगता है। सो प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल व्हेन द प्रोडक्ट हैज टू पास फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट प्रोसेसेस। तो इट इज यूज फॉर द प्रोडक्ट विच गो थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, लाइक द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ। मैंने आपको रेडीमेड गारमेंट का एग्जाम्पल दिया, इन्होंने क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का आपको एग्जाम्पल दिया है, कि जहां पे कपड़ा मैन्युफैक्चर होता है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस आर लाइक स्पिनिंग, वीविंग एंड फाइनली फिनिश प्रोडक्ट। तो कपड़ा बनने से पहले ये सारे स्टेजेस में से उसको पसार होना, पास ऑन होता होता है, तो दैट इज द प्रोसेस कॉस्टिंग। ईच प्रोसेस गिव्स एन आउटपुट एंड दैट इज फिनिश प्रोडक्ट एंड कैन बी सोल्ड, एंड दैट इज व्हाई प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ प्रोसेस, ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होता है। अब देखो, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल ले ले थे कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, तो वहां कोई प्रोसेस नहीं आ रही है, वो एक पूरा काम है, तो यहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ब्रिज है, तो वहां पे यूनिट कॉस्टिंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट कॉस्ट नहीं फाइन करना, हमें यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स नहीं बनाने हैं, एक ही काम है, तो वहां यूनिट कॉस्टिंग एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे कस्टमर का कोई ऑर्डर नहीं मिला है, तो वहां बैच कॉस्टिंग नहीं होगा, तो वहां पे हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ही अप्लाई करना पड़ेगा।
तो प्रोसेस कॉस्टिंग तब अप्लाई होगा जब आपकी प्रोडक्ट अलग अलग प्रोसेस से पास ऑन होगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तब होगा जब आपको बहुत हैवी एक्सपेंडिचर करना है और लॉन्ग टाइम के लिए प्रोडक्ट चलने वाला है। यूनिट कॉस्टिंग आप तब अप्लाई करोगे जब आप पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जानना चाहते हो, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो लार्ज क्वांटिटी में, इन अ लार्ज क्वांटिटी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर मैन्युफैक्चरिंग, सो यू वांट टू नो पर यूनिट कॉस्ट, तो उस केस में यूनिट कॉस्टिंग आएगा। जॉब कॉस्टिंग उस केस में आएगा जिस केस में आप कस्टमर के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, उसके ऑर्डर के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हो। तो टेलर मेड प्रोडक्ट्स दैट इज एज पर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कस्टमर, तो वहां पे जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होगा। बैच कॉस्टिंग तब होगा जब सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हो बट प्रोडक्ट आर डिफरेंट, सिमिलर प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट आर डिफरेंट। दवाई बना रहे हो सिमिलर है पर सभी दवाई डिफरेंट है, तो अलग अलग दवाई को, अलग अलग मेडिसिन को अलग अलग बैच दिया जाएगा, वहां पे बैच कॉस्टिंग आएगा। देयर आफ्टर सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, अभी तक हमने जो बात किया वो प्रोडक्ट की बात की, बट देर आर मेनी कंपनीज, मेनी बिजनेस हाउसेस विच आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द सर्विस, जैसे कि ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने वाले, टेलीफोन सर्विस, तो उनके केस में भी कॉस्ट फाइंड करना होता है, तो दे आर अप्लाइंग द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जैसे कि होटल्स हो गया, तो होटल्स में कोई प्रोडक्ट नहीं बनती है, होटल्स आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, तो वहां पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एप्लीकेबल होगा। जहां पे पर्टिकुलर सर्विस की वो कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पे ऐसे भी एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें हम होटल इंडस्ट्री को कवर करेंगे, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को कवर करेंगे, इवन हॉस्पिटल्स को भी कवर करेंगे बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस। देन मल्टीपल कॉस्टिंग, सो मल्टीपल कॉस्टिंग वहां पे आएगा जब आप बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स को असेंबल करते हो और उसमें से आप अपनी एक प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कि कंप्यूटर, तो सम पीपल आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग ऑल द स्पेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, दे आर इन द असेंबली लाइन, दे आर बाइंग स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट एंटरप्राइज एंड दे असेंबल एंड मेक द फाइनल प्रोडक्ट। लाइकवाइज सम ऑटोमोबाइल कंपनीज, they do not manufacture all the spare parts of the automobiles, but what they do, they buy the spare parts from the other enterprise, or they give the order of manufacturing some spare parts to other enterprise and final product they assemble. So wahan pe multiple costing aayega. And the last one is the product costing. So product costing method are used to assign cost to a manufactured प्रोडक्ट जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुकी है, उस प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट कॉस्टिंग होगा। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स एंड दीज मेथड्स आर वेरी यूजफुल एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट जॉब। वन मेथड मे बी एप्लीकेबल टू वन प्रोडक्ट, मे नॉट बी एप्लीकेबल टू अनदर प्रोडक्ट। नाउ techniques, this would be the last topic of today's our lecture. After techniques we will shift to the next topic, but today only this techniques we will cover. Method or technique mein bahut sari confusion hoti hai bachcho ko. Sabse pehle hai marginal costing. To dekho humne aapko bataya ga costing kya hai. Jab mera lecture start hua तभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ दिया था कि कॉस्टिंग क्या है। तो देखो ये रहा, कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट। सो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टेक्निक्स, दैट मीन्स नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कॉस्टिंग, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स बाय विच कॉस्ट इज असर्टेन, जिससे हम कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए जो टेक्निक्स यूज होगा, दे आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग।
देखो अभी हम थियोरी पर जा रहे हैं इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत होगी समझने में, पर जब इन्हीं के ऊपर जब चैप्टर्स आएंगे तब मैं आपको वापस यही यहाँ पे लेके आऊंगा, ये आपको रिकॉल करवाया जाएगा कि हम ये चीज वहां पे पढ़े थे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, जब आप कोई एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हो उस और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आप जानना चाहते हो तो वहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज होता है। मान लो मैंने किसी प्रोडक्ट का 100 यूनिट्स बनाया है, 100 यूनिट्स, और 100 यूनिट बनाने की कॉस्ट आ रही है 1000 रुपीज, तो 100 यूनिट का 1000 रुपीज मतलब एक यूनिट 10 रुपये में बन रहा है। अब मैं 100 यूनिट से एक यूनिट ज्यादा बनाना चाहता हूं, मतलब 101, 101 यूनिट, एक यूनिट ज्यादा बनाता हूं, तो एक एक यूनिट ज्यादा बनाने से मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी बढ़ती है, उसमें कितना एडिशन होता है, वो अगर मुझे जानना है तो वहां मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई होती है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग एज पर दिस टेक्निक द मैनेजमेंट में डिसाइड द नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस, क्योंकि इस टेक्निक से हमें पता चलेगा कि कौन कितने यूनिट तक अगर हम प्रोड्यूस प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ती नहीं है, कॉस्ट कम आती है। अगर एडिशनल कॉस्ट ज्यादा आएगी तो हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं। सो इन दिस टेक्निक ओनली द वेरिएबल कॉस्ट फॉर एडिशनल यूनिट, देखो एडिशनल वर्ड आया, वेरिएबल कॉस्ट फॉर द एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस विल बी कंसिडर्ड, फिक्स कॉस्ट आर नॉट टेकन इंटू अकाउंट। तो जब एक्सरसाइज आएगा तब आपको इसको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। हियर वी विल कंसिडर ओनली द वेरिएबल कॉस्ट नॉट द फिक्स कॉस्ट, एंड हियर वी विल ट्राई टू नो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एडिशनल यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक में ऐसा होता है कि कॉस्ट जो होता है वो पहले से एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट को कंट्रोल करने का ट्राई किया जाता है। एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन वी ट्राई टू नो व्हाई द स्टैंडर्ड्स आर नॉट अचीव्ड। जैसे कि एग्जाम्पल, वर्कर्स को काम दिया गया कि आपको एक दिन में मतलब 8 आवर्स में 10 यूनिट्स बनाना है। सो 10 यूनिट्स इन 8 आवर्स इज अ स्टैंडर्ड, 10 यूनिट्स इज अ स्टैंडर्ड आउटपुट एंड 8 आवर्स इज अ स्टैंडर्ड टाइम। तो इन अ स्टैंडर्ड टाइम यू हैव टू गिव द स्टैंडर्ड आउटपुट। तो ये आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। स्टैंडर्ड ऐसे ही फिक्स नहीं होते हैं, उसके लिए बहुत सारे एनालिसिस किए जाते हैं और बाद में स्टैंडर्ड फिक्स होता है, बाद में एक्चुअल प्रोडक्शन वर्कर्स को दिया जाएगा। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो वर्कर्स से 8 आवर्स में 10 यूनिट्स बना पाते हैं कि नहीं। अच्छा, ये वहां पे एप्लीकेबल है जहां पे आप यूनिट को मेजर कर सकते हो, जहां यूनिट्स मेजर ही नहीं हो सकते वहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई नहीं होगा। तो हम देखते हैं 8 आवर्स में हमारा वर्कर्स मान लो 8 यूनिट्स बना पाता है, या तो कोई वर्कर ऐसा है 12 यूनिट बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है व्हाई वन वर्कर इज एबल टू प्रोड्यूस ओनली द 8 यूनिट्स नॉट 10, एंड व्हाई वन वर्कर इज एबल टू प्रोड्यूस 12 यूनिट्स मोर देन द स्टैंडर्ड। तो वहां पे स्टैंडर्ड टेक्निक्स की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टेक्निक्स यूज होगा। सो इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन दिस टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग द कॉस्ट इनकर्ड आर कंपेयर टू प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम स्टैंडर्ड्स बोलेंगे, या तो स्टैंडर्ड प्रोसेस या तो प्रोजेक्ट। द वेरियंसेस दैट इज द डिफरेंसेस आर एनालाइज्ड टू ब्रिंग आउट कॉस्ट इफेक्टिवनेस। देन डायरेक्ट कॉस्टिंग, हमने देखा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके अलावा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको आप इग्नोर करो, खाली डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही ध्यान में लो, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट, जो ओवरहेड्स है उनको ध्यान में नहीं लेना है, तो वो कॉस्टिंग हो जाता है डायरेक्ट कॉस्टिंग। सो इन दिस टेक्निक ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या तो पर्टिकुलर प्रोसेस आर चार्ज टू इट, एंड द इनडायरेक्ट कॉस्ट आर रिटर्न ऑफ टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब कॉस्ट अकाउंट में हम खाली डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको हम ओवरहेड्स बोलते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो सारे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, मतलब कॉस्ट में उनको काउंट नहीं करना है. सो दैट इज द डायरेक्ट कॉस्टिंग. हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, हिस्ट्री का मतलब होता है जो हो चुका है. तो जो कॉस्ट ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, जो एक्सपेंसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, उसको रिकॉर्ड करना. तो इट इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. तो इट इज कंपेरिजन ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड ऑलरेडी पेड आफ्टर द प्रोसेस इज परफॉर्म. यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, सो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग टेक्निक इज यूज फॉर कंपेयरिंग cost of different departments or different product by applying the same costing technique. Absorption costing, ये सारे chapters हैं, यहाँ दो line में दिख रहे हैं, but they are the big chapters. And this is the method of full costing. In this, all costs are charged to the product. मतलब fixed cost भी ले लेंगे, variable cost भी ले लेंगे, direct, indirect, सारी cost को cover करेंगे. That is the absorption costing. So these are the different techniques of costing and also the methods of costing. यहाँ पे हमारा जो first unit है उसमें costing का जो introduction का portion था वो cover हुआ है आज. Subject का नाम cost and management accounting है. अब जो management का introductory portion है वो अभी बाकी है. Unit one is a very big unit. Covering the theoretical portion. तो हमने आज cost accounting का theoretical portion देख लिया. अभी management accounting बाकी है. Unit one में management accounting का theoretical portion बाकी है. क्या cover किया है मैं आपको फिर से बता देता हूँ. We have covered the meaning of cost, costing. Then we have covered the scope of cost accounting. कि cost accounting में क्या चीजें cover होती है. What are the objectives of this costing? Costing क्यों करना पड़ता है? उसके advantages और limitations cover किए आज हमने. Elements of cost जो major है, जो आने वाले chapters में बहुत useful होंगे, वो हमने cover किया है. ये words बार बार use होंगे. Material direct, 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 indirect, indirect, indirect का मतलब overhead होगा. Cost centric theoretical concept आपको समझना है कि जहां की cost आप find करना चाहते हो और कंट्रोल करना चाहते हो उसे कॉस्ट सेंटर बोलेंगे. ये कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है. कॉस्ट यूनिट होता है कि आप किस यूनिट में कॉस्ट मेजर कर रहे हो. पर किलोग्राम, पर किलोमीटर, पर लीटर, पर टन. तो दैट इज द कॉस्ट यूनिट. अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग कॉस्ट यूनिट होता है. जैसे कि पर केजी, पर टन, ये यूनिट्स हो गए. एग्जाम्पल्स आपको दिए है. जैसे सीमेंट है, केमिकल है, तो वो पर टन उसका मेजरमेंट होगा. टेक्सटाइल है तो पर मीटर होगा. मतलब जो कपड़ा है वो पर मीटर हमें मेजर करना है, फिर वहां पर केजी नहीं गिनोगे. पावर, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी आप पर टन नहीं कर सकते, उसको पर किलो वॉट आवर आपको मेजर करना है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप लगे हुए हो, आपकी जो प्रोडक्ट बन रही है वो टू व्हीलर या फोर व्हीलर से, तो पर कार आपको फाइंड करना है कॉस्ट. पर व्हीकल आपको कॉस्ट फाइंड करना है. वहां पर केजी नहीं आएगा, पर टन नहीं आएगा. देन वी कवर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर, फंक्शंस, वेरिएबिलिटी. दिस फर्स्ट थ्री आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एंड दे विल कम इन द कमिंग चैप्टर्स ऑल्सो. After the classification of cost, we have covered the different types of cost: fixed cost, variable cost, opportunity cost, sunk cost. Then methods of costings are covered right now. Unit costing, per unit cost find करना है तो. Job costing, जब कोई order मिलता है या तो customer के specifications के हिसाब से product बनाना है तो job costing आएगा. जब long project होगा
हैवी एक्सपेंडिचर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आएगा, बैच कॉस्टिंग, सिमिलर प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनको बैच में डिवाइड कर देंगे, प्रोडक्ट आर सिमिलर बट दे आर डिफरेंट। जैसे कि मेडिसिन का मैंने एग्जाम्पल दिया, हमें लगता है सब मेडिसिन इक्वल है बट नहीं, सब मेडिसिन अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग है, तो उनको बैच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रोसेस, व्हेन द प्रोडक्ट हैज टू पास फ्रॉम द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, तो ईच स्टेज के लिए कॉस्ट फाइंड करनी है तो प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल है। इफ यू आर इन द सर्विस इंडस्ट्री देन यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस, देन सर्विस कॉस्टिंग जो हॉस्पिटल्स में काम आएगा, ट्रैवलर्स के बिजनेस में काम आएगा, होटल इंडस्ट्रीज में काम आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया, व्हेन देयर आर डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स व्हिच यू आर गिविंग ऑर्डर टू समवन एल्स, यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग और यू आर बाइंग स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट्स और अदर फैक्ट्रीज एंड असेंबलिंग देम, तो यहाँ पे मल्टीपल कॉस्टिंग आएगा। प्रोडक्ट कॉस्टिंग, जो प्रोडक्ट बन चुके हैं वहां पे प्रोडक्ट कॉस्टिंग लगेगा। टेक्निक्स में हमने देखा, एडिशनल कॉस्ट अगर हमें फाइंड करनी है मार्जिनल कॉस्टिंग आएगा, स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्शन देखना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा। खाली डायरेक्ट कॉस्टिंग को हम ध्यान में लेंगे और ओवरहेड को इग्नोर करेंगे, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो डायरेक्ट कॉस्टिंग हो गया। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑलरेडी पे हो चुके हैं। यूनिफॉर्म कॉस्ट, सेम कॉस्टिंग प्रैक्टिस फॉलोड। एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मीन्स कवरिंग ऑल द कॉस्ट वेरिएबल एज वेल एज फिक्स। तो ये आज का आपका पूरा कॉस्टिंग का बेसिक जो इंट्रोडक्शन था मैंने कवर किया है। आई नो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज सब्जेक्ट इज न्यू, स्लोली स्लोली यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो टुडे वी स्टॉप हियर, थैंक यू, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ, थैंक यू। Okay, thank you, sir.